थारा भाई, थारा भाई जोगिंदर जोगिंदर। भाई नहीं जोगिंदर, भाई, तुम्हें हमारे से प्यार नहीं है क्या? भाई प्यार वाली बात नहीं है यार। देख, हम यूट्यूबर हो, बहुत अच्छी यार चीज है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तुम लोगों की यार। तुम मतलब लोगों को इतना हंसाते हो, पर यार जोगिंदर ही मिला था ये रोस्ट मारने के लिए तुम्हें यार। ना ना, कोई कोई दिक्कत नहीं भाई, आप कभी भी आओ, अपना ही घर है। पर यार ये रोस्ट रोस्ट मारो, थोड़ा सोच समझ कर रोस्ट मार लिया करो। देख ये यार, देख लो, मतलब दीपक कला जिंदगी लिख औकात रहा यार। दे, दीपक दीपक कला दीपक लिख देखो क्या लिख रहा, भाई। कह रहा दोस्त का फोन लेके आया लाइव में। यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर, यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर। सारे जोगिंदर, तूने ये जो वीडियो बनवाई है ना, सीपी में आके साली तेरी ऐसी तुड़ाई करूंगा ना। दीपक कलाल है मेरा नाम, दीपक कलाल, दुनाई लेके घूमता हूं, दुनाई। हाँ, उड़ा पित्तड़ है ना, पित्तड़ अंदर भर दूंगा। डॉक्टर पित्तड़ बेच बेच के पैसा कमाएगा। ये सब छोड़ दे, ये जो तू कर रहा है ना, थारा भाई जोगिंदर, साले अटैक आ जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत ना है भाई। अब ये जितने भी यूट्यूबर रोस्ट मारेंगे ना, ऑन द स्पॉट रिप्लाई मिलेगा उसको ही लाइव आके। अरे ठीक है यार, लेकिन भाई ये तो है सोशल मीडिया। जोगिंदर भाई फन है यार, इतना 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 क्या बुरा मानना है भाई, भाई। तुम बना रहे हो, हम बना रहे हैं, मौज आ रही है, और क्या भाई। फन वाली बात ना है, जितने भी ये छपरी यूट्यूबर अब आ गए ना रोस्ट मारने के लिए, अगर ये भाई की लाइव में देख रहे हो, कान खोल के सुन लिया, रोस्ट मत मार दिए इस बार, वरना बवंडर आएगा मार्केट के अंदर। बवंडर होता है भाई, घर आएगा। एक सेकंड, आएगा कब ब्रो? मतलब मेरे को यही आ जाएगा, सिस्टम पार देंगे, एवरीथिंग मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, बट आएगा कब? यार यार, दीपक कलाल क्या बोलेगा? दीपक कलाल मेरे सामने बोलता है, तुम्हें लाइव तो तुम देखते ही होगे, वो गंदा आदमी है यार, वो गाली दे दे भाई, मैं गाली नहीं बोल सकता, मेरी वीडियो फैमिली देखती है। वो तो मालूम है भाई, लेकिन तुम इसको एडमायर कर दो, वो गाली वाली बनता है यार। तुम भाऊ को एडमायर कर दो, भाऊ तो बहुत गाली देते हैं यार। अबे भाव यार, भाव अपने घर का होगा, जोगिंदर खुद अलग चीज है भाई। मैं भाव को तो तारीफ कर रहे थे। चुप तेरी माँ का भोसड़ा, तेरी रुक तेरी माँ चुपता हूँ मैं। तेरी बात बताओ जोगिंदर भाई, तुमने अगर पहली भी वीडियो देखी हो, मैं खूब गाली देता हूँ, तुम्हारी वाली वीडियो में गाली दी क्या मैंने तुमने, तुम्हें एक भी? अरे भाई किस्मत अच्छी, गाली नहीं निकली मुँह से। नहीं मैंने तुम्हें भी दी पूरी वीडियो में, नहीं तो जोगिंदर भाई सिस्टम पाड़ देते, नहीं तो सिस्टम पाड़ देंगे। सुनो मेरा एक सवाल है जोगिंदर भाई, तुम पे लोगों ने लांछन लगाए, लांछन समझते हो? हिंदी बोले लांछ पांछे भाई, ये लैंग्वेज ना भाई। लांछन हिंदी तो है भाई, भाई ये कमाल का नहीं दिख जाता। एलिगेशन, सुनो एलिगेशन, हाँ बता भाई, एलिगेटर समझते हो मगरमच्छ? वैसे ये एलिगेशन होता है। अरे तो भाई मैं बता, समझ गया मैं, लिसन हाँ, तो जो आपके ऊपर लांछन एलिगेशन लगाए गए, तो आपने जस्टिफिकेशन जो दिया, वो आपने चार लोगों ने आपस में बैठ के क्यों दे दिया? मतलब पब्लिक को देना चाहिए था ना। अबे भाई तू के बोल रहा है अपनी वीडियो में कि अपने घर के अंदर मीटिंग कर ली, मेरी बात सुनो, जितने भी भाई आ रहे थे ना, वे सारे अलग अलग गांव के एरिया के आ रहे थे। हाँ तो मीटिंग तो घर में हुई थी। जो बंदा मेन था, मेन जो भाई मेन था ना, वो खुद अपना आपने एक ब्रांड है। तुम मैं क्या नाम लू भाई का? कितनी ब्रांड, सारी ब्रांड हरियाणा में ही है क्या? वो लोग हरियाणा यार। जोगिंदर भाई पहले एसी चला लो यार, फिर बात करेंगे यार। भाई पहले एसी चलाओ, फिर बात करेंगे भाई। मुद्दे में बात करो, क्या बात करनी है? बात खत्म, एसी से चलाऊं या ना चलाऊं, वो मेरी लाइफ है। देखो एसी ऐसा होता है, ये जो है ना पीछे, अरे मेरे को मत म्यूजिक। आप प्रॉपर हरियाणा में हो भाई, अभी दिल्ली में हो? जोगिंदर भाई ने मुआवजा ले लिया, मुआवजा। अरे भाई शादी करवाएगा क्या? हाँ करवाऊंगा, वो करवाऊंगा। भाई एक लड़की पूछ रही थी तुम्हारे बारे में, करवा ला एक बार, तू अपनी तो शादी करवा ला। मेरी ब्याह हो गया भाई, दो बालक है उसके, दो बालक है भाई। मेरे को तो लगता नहीं इसके एक भी बालक है, एक सामने सामने तो बैठा भाई, मतलब जोगिंदर भाई मेरी बात सुनो, आज नहीं तो कल आप बिग बॉस में जाओगे तो अपने आप आपके हेटर बनेंगे ना ब्रो। भाई जो सेलिब्रिटी सलमान खान को कितने लोग गाली बकते हैं, सलमान यार खान गाली इंसान है क्या भाई? गाली बकते हैं क्या? ठीक है, आप लोगों का काम है, आप लोगों का काम है, आप लोग करो, बट यार परमिशन ले लिया करो। कितने सारे यहाँ तो चलो मैं था भाई, वो आपका डाटा खत्म हो गया, 21 वाला कर लो ब्रो।
यार ये लक्ष्य चौधरी ने भाई करा पूरा काम, पता है इसने सारे लोगों को भड़काया कि जोगिंदर इसने पैसे वैसे भी दिए लक्ष्य ने मेरे ख्याल से लोगों को रोस्ट बनाने के लिए। बात बता रहा हूँ ये बात, भले ये कैसे आदमी हूँ मैं इससे इस मामले में नफरत करता हूँ। इसने अल्पेश यादव को भड़काया कि तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाए, मुझे भड़काया और भी जो दूसरों इसकी पूरी इसकी प्लानिंग है भाई पूरी इसकी। तो भाई मेरी कान खोल के बात सुन लो, तुम तीनों साथ हो ना? हाँ नहीं हम अलग अलग हैं भाई, अलग अलग हो ना? मैं गोवा में हूँ। तो इनसे बहन के लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करता। गोवा में हो, दो मिनट लगता है गोवा में पहुंच जाऊंगा। नहीं भाई दो मिनट लगते हैं, ढाई घंटे लगते हैं फ्लाइट से, 26 घंटे लगते हैं ट्रेन से। जोगिंदर आयो पैसेंजर से जाओगे तो उसमें भाई सुपरमैन है जोगिंदर भाई, तारा जोगिंदर भाई सुपरमैन आया। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है भाई? मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मेरे दो भाई है कति खास, कमल तवर और निखिल चपराना, इससे तीसरा आदमी मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। और वो 25-30 हजार लोग जो तुम्हारे घर में बैठे थे वो कौन थे? 25-30 हजार लोग तूने देखा था आगे, वो मेरे घर में बैठे थे। वो रेलवे स्टेशन तो नहीं लग रहा था ब्रो, रेलवे आजू बे गाड़ी की चाबी मांग रहा है ब्रो सेंट्रो की। ये सेंट्रो ली कितने की आपने? जैन है जैन, इसने वो ढक्कन है तुम्हारे पास मारुति है? टाटा टियागो है ब्रो। टाटा टियागो बताओ? नहीं सुनो सुनो, इसके पास टाटा टियागो इसलिए है यार, 18 करोड़ का कोई इंजेक्शन लेने आया है इसके पास। हेलो वरना थार लेता मैं नई वाली। थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं ना उसमें से 2% या 3% लोगों की हेल्प में लगाया करो, तो अच्छी तुम्हें दुआ भी आपके बिना लगा रहे हैं आपको। हम दिखाते नहीं फिर रहे हम लगा रहे हैं। बात सुन भाई, हमारा हिंदुस्तान है, नहीं बात सुन, हिंदुस्तान है। तुम अगर कपड़े चल के मार्केट में चलोगे ना कपड़े पहन के, पब्लिक देखेगी तो तुम्हें देख कर कपड़े पहनेगी पब्लिक। अगर तुम्हारे सब्सक्राइबर फालतू हो गए ना तो तुम्हारे यूट्यूबर तुम्हें देख के और वो होंगे, वो सोचेगा इनसे फालतू हो गया। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि हमारे हिंदुस्तान में लोग वीडियो को देखे और वो भी लोगों की हेल्प करे। इंद्र भाई आप बोल रहे हो कि आप वीडियो बनाते हो हिंदुस्तान को इंस्पायर करने के लिए, आपने वीडियो बना रखी थी अपने छोटे भाइयों के साथ, एक छोटा सा बच्चा था आप उसको बोल रहे थे, वो बच्चा बोल रहा था कि मैं गुटखा खाता हूँ, एक बच्चा बोल रहा था मैं दारू पीता हूँ, आप ये मैसेज दे रहे हो दुनिया को? भाई वो हंसी मजाक का कंटेंट है। हंसी मजाक का कंटेंट का क्या मतलब है? आप ही दुनिया को मैसेज दे रहे हो कि बच्चे दारू पिए, बच्चे गुटखा खाएं, ये दे रहे हो आप मैसेज दुनिया को? भाई का रिचार्ज खत्म हो गया यार 21 वाला। यार ब्रो नंबर दे दो भाई, तुम्हारा रिचार्ज खत्म हो गया यार।